क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री समझ चुके हो। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर एलजेब्रा पढ़ा। ऑपरेटर एलजेब्रा को पढ़ते वक्त हम लोगों ने कम्यूटेटर के ऊपर और हर्मिटिसिटी के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। कम्यूटेटर को पढ़ते वक्त हमने बहुत सारे जनरल एक्सप्रेशंस को याद किया और उसके बाद हम लोगों ने हर्मिशियन के ऊपर अच्छा खासा जोर दिया। हर्मिशियन हर्मिटिसिटी को पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोग ऑपरेटर को हर्मिशियन प्रूव करते हो, और उसके बाद हम लोगों ने हर्मिटिसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। हर्मिटिसिटी की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हम लोगों ने आइगन वैल्यू को देखा, आइगन फंक्शन को देखा और आइगन फंक्शन इक्वेशन को भी हमने वहाँ पर बात की। उसके बाद लास्ट क्लास के पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी और नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं कि आखिर हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम लोग निकालने वाले हैं कि आखिर आपके पास एवरेज वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है और किस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। मैं आपको पहली क्लास से लेक्चर वन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री से एक चीज़ बोलता हुआ आ रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इंटरेस्टेड है बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर के निकालने में, जब वो क्या होता है, मोशन के अंदर होता है। बिहेवियर से मेरा मतलब था वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स लाइक मोमेंटम, पोजिशन, एंगुलर मोमेंटम या कुछ भी। ये सब आपको इन सब इसका बिहेवियर निकालना है। कब निकालना है? जब आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल जब क्या हो, मोशन के अंदर हो, इनकी आपको क्या निकालने हैं, वैल्यूज़ निकालने हैं। तो आज उसका टाइम आ गया, आज से हम लोग वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे। आज से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो, मोमेंटम कैसे निकालते हो। आज से हम उन सब चीज़ों की बात करना शुरू कर रहे हैं। तो आपको याद हो कि मैं आपको अब तक बोल रहा था कि आपके पास माइक्रोस्कोपिक मैटर, आपका माइक्रोस्कोपिक मैटर को मिला के क्या कर सकता है, चार टाइप के मोशंस को शो कर सकता है। वो ट्रांसलेशन मोशन शो कर सकता है, वो रोटेशनल मोशन शो कर सकता है, वो वाइब्रेशनल मोशन शो कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी शो कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकल मोशन से मेरा मतलब क्या है, जब आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइट होते हैं या फिर वहां से जब वो वापस आते हैं, तो उसका मतलब वो मेरा क्या है, वो मेरा इलेक्ट्रॉनिकल मोशन है। तो कुल मिला के माइक्रोस्कोपिक मैटर दिखा सकते हैं चार टाइप के मोशन, राइट। और उसके बाद आपने कहा था कि ऑब्जर्वेबल का मतलब आपका क्या है, पोजिशन से मतलब है, मोमेंटम का मतलब है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है और एंगुलर मोमेंटम का मतलब है। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मोशन के लिए आपके पास क्या गिवन है, मॉडल्स गिवन है। हर एक मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास मॉडल्स गिवन है। उस मॉडल की हेल्प से आप क्या निकालते थे, वेव फंक्शन को निकालते थे। ऑपरेटर आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर गिवन है, आपको ऑपरेटर अप्लाई करना है वेव फंक्शन के ऊपर और आपकी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकल कर आ गई। लेकिन अभी तक की क्लास के अंदर हमने हल्का समझा, हमने पहले ऑपरेटर के एलजेब्रा को समझा कि आखिर ऑपरेटर को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या क्या उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कौन से ऑपरेटर आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होने वाले हैं या फिर कौन से ऑपरेटर को आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोगों ने आइगन वैल्यू फंक्शन को पढ़ा, आइगन इक्वेशन को पढ़ा, उसकी भी आज क्लास के अंदर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि आपके पास जो मॉडल्स होते हैं किस मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कौन कौन से मोशन होते हैं। तो अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो आप प्लीज़ अभी तक के जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको कराए हैं आप उन लेक्चर्स को अच्छे से देख कर आइए ताकि आज की क्लास आपको समझ में आए। वरना अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी तो आज की क्लास आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगी। और अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री को नहीं समझा तो आपने केमिस्ट्री को नहीं समझा है। सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई है, सबसे अच्छा चैप्टर अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई है तो वो है क्वांटम केमिस्ट्री। वो खूबसूरत तब लगेगा जब आप उसे समझते हुए चलोगे। अगर आप डायरेक्टली पार्टिकल इम्यूनिटी बुक्स पढ़ने लग गए तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, कैसे मैं इनकी वैल्यूज़ को याद करूँ। तो अगर आप लोग मेरी क्लास को पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि क्वांटम केमिस्ट्री कितनी ईजी है, कितनी कंसेप्चुअल है। और जो बच्चे पहली बार आए हैं इस क्लास के अंदर उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से कि आप अभी तक की जो क्लासेस हैं, पहले की लेक्चर्स हैं, उनको देख कर आएँ ताकि आपको अच्छे से क्वांटम केमिस्ट्री समझ में आए।
तो अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि ऑपरेट द ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल टू द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ मोशन। मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल्स थे, मॉडल्स की हेल्प से आपने वेव फंक्शन को निकाला, उस वेव फंक्शन के ऑपरेटर को लगा दो, आपकी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल निकल कर आ गई थी। ऑपरेटर सारे पढ़ चुके हो, किसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या ऑपरेटर है, मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, काइनेटिक एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पोजिशन की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वो सब आप इजिली आप पहले से ही पढ़ चुके हो। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है, पहली चीज़ आपको क्या निकालनी है, पहली चीज़ जो आपको निकालनी है, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इस वर्ड से आप क्या समझ पा रहे हो, इस वर्ड से आप समझ पा रहे हो कि आपको ट्रांसलेशन, अगर आपको जो पार्टिकल कैसे मोशन के अंदर है वो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर है, अगर उसका मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल है, और ट्रांसलेशन मोशन के लिए आपको वेव फंक्शन कौन देता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, आपको देता है डब्बा, आपको देता है पार्टिकल इन बॉक्स। पार्टिकल इन बॉक्स वो मॉडल जो है वो किसके लिए है, वो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। तो इस केस के अंदर आपको क्या निकालना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मोशन क्या हो गया, ट्रांसलेशनल हो गया, वेव फंक्शन आप यहाँ से निकालोगे विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स विद द हेल्प ऑफ डब्बा, आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक तरीके से ऑब्जर्वेबल हो गई। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऑपरेटर होता है, जी हाँ होता है, आपको पता है, जी हाँ मुझे पता है, क्या होता है वो ऑपरेटर होता है माइनस का एच कट स्क्वेयर अपॉन में 2m डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर। अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वेयर बाय डेल वाई स्क्वेयर हो जाएगा, जेड की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वेयर बाय डेल जेड स्क्वेयर हो जाएगा। तो आप किस तरीके से निकालोगे, आप काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को ऑपरेट किसके ऊपर करोगे, ट्रांसलेशनल मोशन के वेव फंक्शन के ऊपर उसको ऑपरेट कर दोगे। यानी कि आपको इस ऑपरेटर को माइनस के एच कट स्क्वेयर अपॉन टू एम डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर को डब्बे के वेव फंक्शन के ऊपर क्या करना है, उसको अप्लाई करना है, उसके ऊपर आपको उसे ऑपरेट करना है। तो आपका जो है वैल्यूज निकल कर आ जाएगी, किसकी, ऑब्जर्वेबल की आपकी वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और आपकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी। तो डब्बे के लिए आपको पता है, अगर आपका डब्बा क्या हो, जीरो से एल लेंथ का हो तो उस फंक्शन क्या होता है उसका, अंडर रूट टू बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, अंडर रूट टू बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, इसको याद करना है आपको। तो क्या होता है फंक्शन आपके पास, अंडर रूट टू बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, ये आपका क्या होता है फंक्शन, तो फंक्शन तो आपके पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स की हेल्प से तो आपने क्या निकाला है, इस वेव फंक्शन को निकाला है। इसकी बात करेंगे जब पार्टिकल इन बॉक्स को पढ़ेंगे कैसे हमने इस फंक्शन को निकाला है, अभी के लिए आप इसको याद रख लो। उसके बाद आपको पता है कि ट्रांसलेशन के लिए बॉक्स होता है, रोटेशन के लिए रिजिड रोटर होता है, वाइब्रेशन के लिए क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। तो इनकी बात बाद में करेंगे, अभी हमें किसकी जरूरत है, अभी हमें डब्बे की जरूरत है, पार्टिकल इन बॉक्स की जरूरत है। उसका वेव फंक्शन मुझे पता है, मैंने उसके वेव फंक्शन को ले लिया। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, उसको मैं कैसे डिनोट करता हूं, उसको डिनोट करता हूं के ऑपरेटर से। उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू मेरी बराबर होती है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई में क्या होगी माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, जेड में क्या होगी माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। अगर मैं बात करूं कि मैं एक्स के अंदर निकाल रहा हूं ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं ऑपरेटर भी एक्स के अंदर ले लेता हूं और फंक्शन को भी मैं एक्स के अंदर ले लेता हूं और उसमें ऑपरेट करके देखता हूं। तो आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को लिया, किसके डायरेक्शन के अंदर, एक्स के अंदर ले लिया, बॉक्स का किसके अंदर लिया आपने, एक्स के अंदर ले लिया, वैल्यू को आपने पुट कर दी। के ऑपरेटर आपके पास क्या है, वो तो आपके पास माइनस का एच कट स्क्वायर, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका है। स्क्रीन पे देखते जाओ मैं किस तरीके से कर रहा हूं, एक एक स्टेप को देखो कि मैं कैसे इस चीज को यहां पर लिख रहा हूं। फंक्शन आपका क्या है, अंडर रूट 2 बाय एल साइन का एन पाई एक्स बाय एल, ये आपका क्या है फंक्शन है। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका अंडर रूट 2 बाय एल है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप जितने भी ऑपरेटर को यूज़ करोगे वो कैसे होते हैं, वो लीनियर होते हैं और हर्मिशियन होते हैं। लीनियर ऑपरेटर की खासियत होती है कि वो कांस्टेंट को उठाकर बाहर निकाल सकता है। आपको ये तो पहले से ही पता है कि डिफरेंशिएशन बाहर निकालता है, लेकिन हम लोग इसको अलग तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के जो ऑपरेटर होते हैं वो लीनियर होते हैं, अगर वो लीनियर है तो वो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 2 बाय एल को ये बाहर निकाल देगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, उठा के बाहर निकाल दिया। मैंने क्या लिख दिया इसको, एच कट स्क्वायर बाय 2m, पहले से कांस्टेंट था बाहर था ही, 2l को भी, अंडर रूट 2l को भी मैं बाहर निकाल कर ले आया। उसके बाद आपको निकालना है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का n पाई x बाय l। देखिए n भी आपका कांस्टेंट होगा, अगर आपको कोई एनर्जी लेवल पता होगा, जैसे कि अगर आपको ग्राउंड स्टेट पता है तो n इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n क्या हो गया, 2 हो गया, तो आपको n की वैल्यू पता होगी। बेसिकली ये कांस्टेंट होगा, पाई आपका कांस्टेंट होता है, डब्बे की लेंथ l, यानी कि ये भी तो कांस्टेंट ही होगी ना, डब्बा तो आपको कुछ स्पेसिफिक लेंथ का ही होगा, तो n पाई बाय l एक तरीके से क्या है,
कॉन्स्टेंट है। और अगर आपको याद हो जो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताए थे, तो डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का जब मैंने किया था तो क्या निकल कर आया था, माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन में साइन का ए एक्स। आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हो, आपने कहा था कि ऑपरेटर का स्क्वेयर का मतलब क्या, ऑपरेटर का स्क्वेयर का मतलब आपको ऑपरेटर को दो बार ऑपरेट करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, साइन का ए का एक्स होगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस का एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये निकल कर आ जाएगा कोस का ए एक्स, एक आपका पहले बाहर भी आएगा, तो ए इंटू में कोस का ए एक्स, ये आपका क्या निकल कर आ गया, साइन के ए एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आते तो प्लीज डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को पढ़ कर आओ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको सारी चीजें करा रखी, कैसे आप लोग किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करोगे, ए आपका कॉन्स्टेंट है, ए को आपने क्या किया, ए को आपने बाहर निकाल दिया, ए को आपने बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या हुआ, ये हुआ माइनस का ए इंटू में साइन का ए एक्स, ये क्या हुआ माइनस का ए इंटू में साइन का ए एक्स। तो ए से ए बाहर आके क्या हो गया, माइनस का ए स्क्वायर हो गया, क्या बच गया, साइन का ए एक्स हो गया। तो आपके पास जो गिवन है वो क्या है, साइन का एन पाई एक्स बाय एल गिवन है। एन पाई बाय एल क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको ए बोल दो थोड़ी देर के लिए। अगर आप इसको ए बोल दोगे तो ये तो आपके पास कैसी फॉर्म बन गई, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, माइनस का ए स्क्वायर साइन का ए एक्स। उसके बाद क्या करो, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए क्या है यहां पर, एन पाई बाय एल है, तो क्या निकल कर आएगा, माइनस का ए स्क्वायर इंटू में साइन का ए एक्स। ए की वैल्यू क्या थी, साइन एन पाई बाय एल, एन पाई बाय एल मैंने यहां पर पुट कर दी, तो ये निकल कर आ गया एन पाई बाय एल का स्क्वायर इंटू में साइन इंटू में ए, ए क्या है, एन पाई बाय एल इंटू में एक्स। तो इस तरीके से मैंने इस डिफरेंशिएशन को यहां पर किया हुआ है। उसके बाद आपका n भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, l भी कॉन्स्टेंट है, इसका स्क्वायर है, सबको मैं क्या कर दूं, बाहर ले आता हूं, क्या हो गया ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर नहीं खाली 2 फिर m फिर l का स्क्वायर अंडर रूट 2 बाय l आपका पहले से ही बाहर था ही। उसके बाद आपका यहां पर क्या बच गया, आपके पास बच गया साइन का n पाई बाय x। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो आपके पास जो बचा है वो लास्ट में क्या बचा है, अंडर रूट का 2 बाय l इंटू में साइन n पाई बाय x, n पाई x बाय l। और ये आप क्या था, ये आपके पास फंक्शन था किसका, बॉक्स का, जिसको आप स्टार्टिंग के अंदर लेकर चले थे, जिसको आप स्टार्टिंग के अंदर लेकर चले थे, जिस फंक्शन को आप लेकर चलो उसके ऊपर आपने ऑपरेटर लगा दिया और आपके पास रिजल्ट के अंदर वही फंक्शन आ गया। ये प्रॉपर्टी आपने कहां पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो आपने आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ी थी, जहाँ पर आपने कहा था कि ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद अगर फंक्शन अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, वापस से वही फंक्शन आपके पास निकल कर आ जाए, इसका मतलब वो फंक्शन आपका क्या है, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू फंक्शन, आइगन फंक्शन है वो। और आइगन फंक्शन के अंदर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या थी, जो स्टार्टिंग की थी, आपने क्या किया, आपने के ऑपरेटर को डब्बे के ऊपर लगाया, के बॉक्स के ऊपर लगाया, वापस से आपके पास फंक्शन निकल कर आ गया, वापस से आपके पास फंक्शन निकल कर आ गया। तो साई बॉक्स यहाँ पर क्या है, साई बॉक्स यहाँ पर आइगन फंक्शन है, ये ऑपरेटर है, ये अपने पास ऑपरेटर क्या है, ये अपना ऑपरेटर है, लेकिन जो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर है, ये मेरा क्या है, ये आपके पास आइगन वैल्यू है, ये आपके पास आइगन वैल्यू है। अगर कोई फंक्शन, अगर कोई ऑपरेटर और फंक्शन का, अगर कोई ऑपरेटर और फंक्शन का कॉम्बिनेशन आइगन वैल्यू फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, तो उस केस के अंदर जो आपके पास आइगन वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल होती है। इस चीज़ को कैसे समझोगे आप, मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को लगाया किसके ऊपर, डब्बे के फंक्शन के ऊपर मैंने उसको लगाया, आपके पास क्या निकल कर आया आखिरी में, आपके पास निकल के आया कोई कॉन्स्टेंट इंटू में क्या, वापस से डब्बे का फंक्शन आपके पास वापस से निकल कर आ गया। अगर आपने आइगन वैल्यू इक्वेशन की क्लास को पढ़ा होगा, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि अगर आप किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को लगाते हैं और अपने वो फंक्शन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, वापस से वही फंक्शन आपके पास अगर आ जाता है, दैट मींस आपका वो कैसा है, आइगन फंक्शन है। और आइगन फंक्शन के केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आगे कॉन्स्टेंट लगता है उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे मैं आइगन वैल्यू बोलता हूं। और आइगन वैल्यू आपकी क्या होती है, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होती है, यानी कि ये जो आपका निकल कर आया है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2 एम स्क्वायर, ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो आपने पहली चीज़ क्या निकाली अभी तक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को आपने निकाला, कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन को निकाला। चलिए इस चीज़ को समझते हैं हम लोग, एक फंक्शन का हम लोग एक चीज़ को और निकालते हैं ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर और हो जाएं। अब आपको निकालनी है क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल मोमेंटम। मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई है कि जो साई है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं देगा, वो क्या देता है, या तो वो प्रोबेबिलिटी बताता है या फिर वो क्या बताता है, एवरेज वैल्यू बताता है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको एवरेज वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। साई जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू
वैल्यू ही बता पाएगा, वो आपको डायरेक्ट वैल्यू कभी भी नहीं बता पाता है। तो आपको क्या निकालनी है, आपको ट्रांसलेशन मोमेंटम के लिए निकालना है। मोशन कैसा है, ट्रांसलेशन है। फंक्शन किसका होगा, डब्बे का होगा। मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, आपको पता है, माइनस का एच का टपन में डेल बाई डेल एक्स, ये इसका ऑपरेटर होता है। आपको डब्बे का फंक्शन भी पता है। तो आपको क्या करना है, आपको मोमेंटम का ऑपरेटर, मान लो मैं एक्स डायरेक्शन के अंदर निकाल रहा हूँ, तो आपको मोमेंटम का ऑपरेटर डब्बे के ऊपर ऑपरेट करना है। इसका क्या होता है, माइनस का एच आई एच माइनस का आयोटा एच कट बाय डेल एक्स लिख दिया आपने यहाँ पर। डब्बे का क्या हो गया, अंडर रूट टू बाय एल साइन एन पाई बाय एक्स, एन पाई एक्स बाय एल। देखो हम इसको कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन को बहुत बार यूज़ कर रहे हैं पार्टिकल इन बॉक्स को, तो आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। मैं पता नहीं कब कितनी बार ये बात आपको बोल चुका हूँ, अब दोबारा आपको मैं ये बात नहीं बोलूँगा। तो टू बाय एल अंडर रूट टू बाय एल को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया, इसको आपने क्या किया, बाहर निकाल दिया। बाहर क्या आ गया, माइनस आयोटा एच कट अंडर रूट टू बाय एल डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या, साइन का एन पाई एक्स बाय एल। तो एन पाई बाय एल की आपका क्या है, कॉन्स्टेंट होता है, तो साइन का ए एक्स का, साइन का ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एस ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका, ये होता है आपके पास क्या, ये आपके पास होगा ए इंटू में कोस ऑफ ए एक्स, ये क्या होगा, ए इंटू में कोस ऑफ ए एक्स। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, एन पाई बाय एल है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने क्या, ये आपका क्या है, ए है, ये इंटू में क्या है, कोस है, ये क्या आपका क्या है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, एक्स है। तो मैंने इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया और क्या वैल्यू निकल कर आई आपके पास, आपके पास निकल कर आई माइनस का आयोटा एच कट अंडर रूट टू बाय एल, पहले से था एन पाई बाय एल, ये आपका ए जो आपने बाहर निकाला, इनटू में क्या, कोस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल। तो एक तरीके से आपके पास क्या निकल कर आया, कॉन्स्टेंट निकल कर आया। लेकिन आपके पास जो स्टार्टिंग अंदर फंक्शन था क्या था, वो आपके पास था अंडर रूट टू बाय एल साइन का एन पाई एक्स बाय एल। वो बंद, वो अब किसके अंदर चेंज हो गया, वो अब चेंज हो गया मेरा किसके अंदर, कोस के अंदर चेंज हो गया। यानी कि ये चीज़ जो है वो आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि फंक्शन ने जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया। अगर फंक्शन ने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया, दैट मीन्स वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा। अगर आपका फंक्शन और ऑपरेटर मिलकर आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो आइगन वैल्यू जो आपके पास ये कॉन्स्टेंट होता है स्टार्टिंग का, इसको मैं आइगन वैल्यू नहीं बोलूंगा, इसको मैं आइगन वैल्यू तब बोलूंगा जब ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो। तो ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट होता है आगे का, ये कॉन्स्टेंट, ये आपकी ट्रांसलेशन मोमेंटम की वैल्यू नहीं है। अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेगा तो कॉन्स्टेंट को मैं आइगन वैल्यू बोलता हूँ, और आइगन वैल्यू आपकी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू ही होती है। लेकिन अगर आपके पास आइगन वैल्यू फंक्शन, अगर आपके पास फंक्शन और ऑपरेटर मिलकर आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, तो आपके पास आइगन वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। तो जो कॉन्स्टेंट निकल कर आएगा, वो आपके पास ऑब्जर्वेबल की वैल्यू नहीं निकल कर आएगी। तो अभी तक आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को तो निकाल लिया था उस तरीके से, लेकिन आप मोमेंटम को नहीं निकाल पाए। अगर आप मोमेंटम को उस तरीके से नहीं निकाल पाए, तो आपको एक और फॉर्मूला चाहिए, और उस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और उसके फॉर्मूले को हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने क्यों वाले हैं, क्योंकि सभी ऑपरेटर और फंक्शन मिलकर आइगन वैल्यू इक्वेशन को नहीं बनाते। सभी फंक्शन और ऑपरेटर मिलकर आइगन वैल्यू इक्वेशन को नहीं बनाते। काइनेटिक एनर्जी ने बनाया था डब्बे के साथ, लेकिन मोमेंटम ने डब्बे के साथ नहीं बनाया। दैट मीन्स आपको मोमेंटम की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, उसको निकालने के लिए आपको कोई नया फॉर्मूला चाहिएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का। ये पोस्टुलेट के अंदर गिवन है, अभी तक हम लोगों ने पोस्टुलेट नहीं पढ़ा, लेकिन पहले हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला जो है पोस्टुलेट के अंदर गिवन है। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आइगन वैल्यू मेथड इज ओनली एप्लीकेबल अंटिल द ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड वेव फंक्शन ऑफ मोशन फॉलोज आइगन वैल्यू इक्वेशन। आपने देखा कि मोमेंटम के केस के अंदर, ट्रांसलेशनल मोमेंटम के केस के अंदर उसने आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं किया, तो आपने आइगन वैल्यू इक्वेशन के तरीके से आप मोमेंटम की वैल्यू को नहीं निकाल पाए। और इसी के बाद हमारे पास पहली बार हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, एवरेज वैल्यू मेथड की हमें ज़रूरत पड़ी। ये पोस्टुलेट के अंदर भी गिवन है ये फॉर्मूला, लेकिन हम पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्टुलेट को पढ़ने वाले हैं। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जर्वेबल एन। मान लो आपके पास ऑब्जर्वेबल क्या है, एम है, आपको एम की वैल्यू निकालनी है। इस ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग मान लो आपका ऑपरेटर क्या है, एम ऑपरेटर, एम कैप आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑपरेटर है, एम कैप एक ऑपरेटर है। ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा, एम निकलेगा। तो जो आपके पास एम की एवरेज वैल्यू होगी, उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट से साथ करते हैं। एम की एवरेज वैल्यू ये होगी, अगर एक्स की होगी तो कैसे होगी, एक्स की ऐसे होगी, मोमेंटम की ऐसे होगी, पी का एक्स ऐसे हो जाएगी मोमेंटम की, काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, के इनटू में, हमको इस तरीके से उसको
डिनोट करते हैं, किसको, एवरेज वैल्यू को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार, आपको बेसिकली ऑपरेटर को, ऑपरेटर आपको बीच में करना है, इधर आपको क्या रखना है नीचे, आपको बनाना ही तरीके सैंडविच, सैंडविच के अंदर आपको बीच में तो ऑपरेटर रख देना है। पहले आप क्या रखोगे, फंक्शन है कॉन्जुगेट, और इधर क्या रखोगे फंक्शन, यानी कि फंक्शन के कॉन्जुगेट और फंक्शन के बीच में आपको ऑपरेटर को सैंडविच बना देना है, आपको बीच में आपको ऑपरेटर रखना है, इधर आपको रखना क्या रखना है फंक्शन का कॉन्जुगेट, और यहाँ पर आपको क्या रखना है फंक्शन रखना है। तो आपको बेसिकली ये क्या हो गया आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एम ऑपरेटर इंटू साई इंटू में डी टाउ, डी टाउ का वही वॉल्यूम एलिमेंट, डिवाइडेड में क्या साई स्टार साई डी टाउ, ये आपका क्या है ओवर एंटायर स्पेस है, ये आपका क्या है ओवर एंटायर स्पेस है, ओवर एंटायर स्पेस है, ये आपका जो भी आपको स्पेस गिवन होगा उसका है ये पूरे। आप जब भी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपके, मान लो अगर आप डब्बा आपके पास गिवन है तो एवरेज वैल्यू जीरो से एल के बीच में ही निकालोगे, ऐसा नहीं है कि डब्बा आपके पास जीरो से एल लेंथ गिवन है आप जीरो से लेकर एल बाई टू के बीच में एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो। अगर आप जीरो से एल बाई टू के बीच में निकालो तो आप वहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो पूरे, अगर आप, अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आपको जीरो से एल वाई पूरा की पूरा केस ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है साई स्टार साई डी टाउ, और ये आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ओवर एंटायर स्पेस है ये, इसका मतलब ये तो आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई किसके लिए, ओवर एंटायर स्पेस के लिए हो गई। ये आपने कहाँ निकाली थी, ये आपने निकाली थी जब आप क्या पढ़ रहे थे नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे थे, और नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपने कहा था अगर आपके पास फंक्शन, अगर आपके पास जो है अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ओवर एंटायर स्पेस क्या होती है, वन होती है। आपका इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ क्या होगा, वन होगा। अगर आपका फंक्शन, अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो आपका साई स्टार साई डी टाउ क्या हो जाएगा, ये तो आपका वन हो जाएगा। और मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको उसको क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करने से पहले आपको उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डिवाइड में जो टर्म है ये क्यों है, ये इसलिए है कि अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको इसको नीचे डिवाइड पे भी लिख दो ताकि वो नॉर्मलाइज अपने आप हो जाए। मान लो आपको कोई फंक्शन दिया गया है, आपको साइज इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन दिया गया है और आपको नहीं पता कि ये नॉर्मलाइज्ड है और या फिर ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, और आप डायरेक्ट एवरेज वैल्यू निकालने लग रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने इस एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला क्या है, साइज स्टार एम का कैप इंटू में साई इंटू में डी टाउ, और डिवाइडेड में क्या है, डिवाइडेड में आपके पास जो टर्म है वो ये है। ये आप कब निकालते हो, ये तो आपके पास अगर फंक्शन नॉर्मलाइज हो तो वन आएगा, लेकिन अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो बेसिकली हम इस केस के अंदर क्या कर रहे हैं, फंक्शन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको इस पूरे चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। क्या है एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एम कैप साई डी टाउ अपॉन में क्या साई स्टार साई डी टाउ। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है अगर आपका जो फंक्शन है अगर वो नॉर्मलाइज है तो आपका साई स्टार साई डी टाउ क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। अगर ये वन के बराबर हो गया तो आपका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एम कैप साई डी टाउ, या आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अगर आप चाहते हो कि आप उसको नॉर्मलाइज ना करो तो आप पहले वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज है तो आप पहले वाला यूज करोगे तो आपका डिनोमिनेटर अपना वन हो जाएगा। तो आप बेसिकली क्या करो, आप पहले वाले फॉर्मूले को ही लेकर चलो, हर केस के अंदर आप पहले वाले फॉर्मूले को ही लेकर चलो। अगर आपको फंक्शन को देख के आप पहचान पाते हो कि नॉर्मलाइज है पहले से ही, जब तक हम क्वांटम केमिस्ट्री खत्म करेंगे तो आप समझ जाओगे कि आप देख कर समझ जाओगे कि फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर आप समझ गए तो आपको इस वाले सीधा इसको यूज़ कर लेना, किसको m के एवरेज वैल्यू क्या होती है साई स्टार m कैप साई, आप इसको यूज़ कर लेना अगर आप समझ गए हो। अगर आप नहीं समझे हो तो आप पहले वाले फॉर्मूले को ही यूज़ करो, ताकि आपका अगर दिक्कत भी हो, अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज ना भी हो तो वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी आपको पता चल जाए। तो आपको पहले में क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको पोजिशन की एवरेज वैल्यू निकालनी है फॉर ए पार्टिकल कन्फाइड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 से L। 0 से L के लिए आपका फंक्शन क्या होता है, अंडर रूट 2 बाय L साइन n पाई x बाय L, अंडर रूट 2 बाय L साइन n पाई x बाय L, ये आपका फंक्शन होता है। ये आपको फंक्शन गिवन भी हो सकता है, आपको फंक्शन गिवन नहीं भी हो सकता। आप कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एक्स कैप साई डी टाउ। ये आप यहाँ पर देखते रहिए मैं किस तरीके से कैलकुलेशन को कर रहा हूँ, इंटू में क्या साई स्टार साई डी टाउ, आपका जो फंक्शन है नॉर्मलाइज्ड है, ये जो फंक्शन है नॉर्मलाइज्ड है। आपको अगर याद हो तो हमने कैसे किया था, हमने साइन के एन पाई एक्स बाय एल को नॉर्मलाइज करके देखा था, क्या हुआ था आपके पास वहाँ पर निकल गई थी नॉर्मलाइजेशन वैल्यू, क्या निकल गई थी, अंडर रूट टू बाय एल निकल कर आई थी। और वैसे भी अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फंक्शन होता है पार्टिकल इन बॉक्स का, तो ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड ही है। एक और तरीका होता है देखने का, क्या तरीका होता है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में कोई कॉन्स्टेंट दिया गया है तो ये मतलब आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड ही है।
अगर आपके पास साइज इक्वल टू एक्स दिया गया है, मतलब क्या नॉर्मलाइज नहीं है। अगर आपके पास साइज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई एक्स दिया गया, लिमिट आपके पास जीरो से वन की है। अगर आपके पास कोई स्टार्टिंग में कोई कॉन्स्टेंट दिया गया है, इसका मतलब क्या ये नॉर्मलाइज है। अगर आपके पास फंक्शन के साथ में वेरिएबल पार्ट के साथ में कुछ कॉन्स्टेंट दिया होता है, इसका मतलब आपका फंक्शन पहले से ही क्या है, नॉर्मलाइज है। तो इस वाले केस के अंदर भी आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो तो आपका क्या है, साइन का एन पाई एक्स बाय एल, ये आपका क्या है, वेरिएबल पार्ट है। अगर इसके साथ में कोई कॉन्स्टेंट अटैच है, इसका मतलब ये फंक्शन पहले से ही क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो इसकी भी आप टेंशन मत लो, ये आपका पहले से क्या है, नॉर्मलाइज है। तो आपके नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल टू वन हो जाएगी। तो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया, वन कर दिया है। उसके बाद आपको पता है कि इस फंक्शन के अंदर कहीं भी आयोटा नहीं है, कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो साई स्टार और साई की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो आपको सिर्फ साई स्टार और साई की वैल्यू पुट करनी है, ऑपरेटर की वैल्यू पुट करनी है, आपकी एवरेज वैल्यू निकल कर आ जाएगी, किसकी, एक्स की। आपके पास ऑपरेटर वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्या निकल कर आएगी, साई स्टार की वैल्यू पुट करो, क्या है, अंडर रूट टू बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल। ऑपरेटर क्या है एक्स का, एक्स ही होता है। अंडर रूट टू बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल मैंने लिख दिया। डी एक्स मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, डिवाइड बाय क्या, वन, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अगर मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डेटा क्या होता है, आपका वन होता है। लिमिट्स आपने पुट कर दी जीरो से एल, अंडर रूट टू बाय एल कॉन्स्टेंट है, अंडर रूट टू बाय एल कॉन्स्टेंट है, आपने इसको उठा के क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्या निकल कर आ गया, बाहर टू बाय एल निकल कर आ गया। अंदर क्या बच गया, एक्स इंटू में साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स, ये आपके पास अंदर बच गया इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो फंक्शन है आपके पास, एक तो आपके पास एक्स फंक्शन है और दूसरा क्या है, साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाय एल का फंक्शन है। आपके पास ये फंक्शन है और डी एक्स है। आपको अगर नेट के अंदर तो आप अगर इसको निकालने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको इस इंटीग्रेशन की भी डायरेक्ट वैल्यू को याद करना है। अभी मैं आपको इसकी वैल्यू याद नहीं करा रहा, जब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी वैल्यू आपको याद कराएंगे। अभी के लिए आप डायरेक्ट याद कर लो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एल बाय फोर निकल कर आएगी। जब आप इसको टू बाय एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एल से एल कट जाएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वन बाय फोर, वन बाय फोर इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसकी आप पुट करोगे तो क्या निकल कर आ गया, यहाँ से ये निकल कर आ गया, इसकी वैल्यू जो निकल के शायद से इसकी वैल्यू निकल कर आएगी एल स्क्वेयर बाय फोर। इसकी वैल्यू शायद मुझे अभी भी याद नहीं है, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी एल स्क्वेयर बाय फोर, जो आपका इंटीग्रेशन है एक्स इंटू में साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। इसकी वैल्यू निकल कर आती है एल स्क्वेयर बाय फोर। तो आप यहाँ से एल से स्क्वेयर काट सकते हो, टू से टू काट दो, क्या वैल्यू निकल आ जाएगी आपके पास, एल बाय टू। अभी इसकी मैंने बस बता रहा हूँ आपको कैसे आप एवरेज वैल्यू को निकालते हो, आपको इसको याद भी नहीं करना। अभी मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालते, जब हम पार्टी इन बॉक्स को पढ़ेंगे तब हम एक्स की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मोमेंटम की निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी की भी निकालेंगे और हर एक चीज की निकालेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है ये, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन कन्फाइड इन 1D बॉक्स। 1D बॉक्स यानी कि आपके पास डब्बा है 0 से L का, यानी कि आपको फंक्शन पता है। इस केस के अंदर आपको फंक्शन नहीं गिवन है, इसका मतलब कोई बात नहीं, हमें फंक्शन चाहिए ही नहीं, हमें तो उसकी वैल्यू क्या है, याद है। क्या वैल्यू होती है उसकी, साई की, साई की वैल्यू होती है अंडर रूट टू बाय एल साइन का एन पाई एक्स बाय एल, ये आपको इसकी वैल्यू पता है। लिमिट क्या है, जीरो से एल है, तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, ये हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोशन ट्रांसलेशनल है इसीलिए मैं डब्बे का फंक्शन ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू। तो आप क्या करोगे, साई स्टार काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर साइन टू में डी एक्स अपॉन में क्या, साई स्टार साई डी एक्स। आपको पता है फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है, आपको क्या होता है, वन होता है। तो या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी का तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था किसके थ्रू, आइगन वैल्यू इक्वेशन के थ्रू। आपने क्या किया था, इसके ऑपरेटर को, इसको फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया था, आपके पास क्या निकल कर आया था, एक कॉन्स्टेंट निकल कर आया था सामने, और क्या निकल कर आ गया था, फंक्शन वापस निकल कर आ गया था। तो जो आपके पास कॉन्स्टेंट निकल कर आया था वो क्या निकल कर आया था, वो आपके पास वैल्यू निकल कर आई थी काइनेटिक एनर्जी की, आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई थी डायरेक्टली। तो आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो, मैं बस अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे आपको यूज़ करना है। वैल्यू अभी आपको याद नहीं करनी किसी की भी वैल्यू याद नहीं करनी है अभी आपको। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लेता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशन मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 से L, ये भी आपका डब्बा वाला फॉर्मूला ही, आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Px की एवरेज वैल्यू लिखनी पड़ेगी, साई स्टार और साई के बीच में क्या कर दिया, Px का ऑपरेटर कर दोगे आप इस केस के अंदर भी इस चीज़ को कर सकते हो, लेकिन आपको पता है मोमेंटम के केस के अंदर आप आइगन वैल्यू इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर आप Px इंटू में फंक्शन ऑफ बॉक्स, आपके पास इज इक्वल टू के अंदर A इंटू में फंक्शन ऑफ बॉक्स वापस से निकल कर नहीं आता। तो इस वाले केस के अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मोमेंटम के केस के अंदर आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो किसको, एवरेज वैल्यू का जो मेथड का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी केस के अंदर आप उस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो और आइगन वैल्यू इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आइगन वैल्यू इक्वेशन वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो और आप जो आपके पास फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का उसको भी यूज़ कर सकते हो,
तो वैल्यू तो आपके पास सेम ही निकल कर आनी चाहिए ना, चाहे आपका वो वाला फॉर्मूला हो, एवरेज वैल्यू वाला फॉर्मूला हो, या फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन वाला फॉर्मूला, तो आपके पास वैल्यू सेम निकल कर आनी चाहिए। तो पहले हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आप फॉर्मूला कोई भी यूज़ कर लो, आपके पास वैल्यू सेम निकल कर आएगी। तो चलिए इस चीज़ को पहले हम प्रूव करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका आइगन वैल्यू मेथड है वो स्पेसिफिक है, यानी कि जिस केस के अंदर आपके ऑपरेटर और फंक्शन आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेंगे उसी केस के अंदर हम लोग आइगन वैल्यू मेथड को लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग मोमेंटम के केस के अंदर नहीं लगा सकते, जैसे कि हम लोग पोजिशन केस के अंदर नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ हम काइनेटिक एनर्जी केस के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर और डब्बे का फंक्शन आपका मिलकर एक आइगन वैल्यू फंक्शन बनाता है। उस केस के अंदर आप लोग काइनेटिक एनर्जी के आप लोग वहाँ पर आइगन वैल्यू मेथड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जिस केस के अंदर आप आइगन वैल्यू मेथड को यूज नहीं कर सकते, उस केस के अंदर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूज कर सकते हो, और जिस केस के अंदर आप आइगन वैल्यू मेथड को यूज करते हो उस केस के अंदर भी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड को यूज कर सकते हो। यानी कि जो आपके पास सेकंड मेथड एवरेज वैल्यू मेथड है ये यूनिवर्सल मेथड होता है, और ये आइगन वैल्यू मेथड क्या है, स्पेसिफिक है। जिसके अंदर यूज जिसके अंदर फॉलो करेगा इक्वेशन को वहीं पर यूज कर सकते हो। तो ये आपका स्पेसिफिक होता है और ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रूव करते हैं कि प्रूव दैट वैल्यू ऑब्टेन बाय आइगन वैल्यू मेथड एंड एवरेज वैल्यू मेथड इज सेम। अगर आपको ये चीज़ प्रूव करनी है तो पहले आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जिस चीज़ को आप निकाल रहे हो, जिस ऑब्जर्वेबल को आप निकाल रहे हो, वो आइगन वैल्यू मेथड से भी निकाल सकते हो और एवरेज मेथड से तो आप निकाल ही सकते हो। अगर आप उसको आइगन वैल्यू मेथड से निकाल सकते हो, इसका मतलब वो फंक्शन और ऑपरेटर आपका क्या कर रहा है, आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ आपको गिवन है कि वो फंक्शन और ऑपरेटर आपका क्या है, आइगन वैल्यू मेथड को फॉलो कर रहा है। लेट अस कंसीडर ऑपरेटर ए ऑफ एन ऑब्जर्वेबल फॉलोज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि आप पहले ही मानकर चल रहे हो कि आप उसकी वैल्यू को आइगन वैल्यू मेथड से भी निकाल सकते हो और एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड से भी निकाल सकते हो। तो अगर ये फॉलो करेगा तो आपका ए यानी कि ए कैप इनटू में साई क्या हो गया, ये आपने क्या किया, ऑपरेटर को अप्लाई किया किसके फंक्शन के ऊपर, आपके पास निकल करके आ जाएगा फंक्शन वापस और साथ में कोई कांस्टेंट, इसको आप क्या बोलते हो, आइगन वैल्यू बोलते हो। यहां पे क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल होती है। तो जो आपका अगला मेथड है इससे भी आपके पास क्या निकल कर आनी चाहिए, सेम चीज ही निकल कर आनी चाहिए। मान लीजिए आपका जो साई है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। आपने साई को यहां पर क्या लिया है, साई एन लिया है, मतलब साई एन मतलब क्या, साई आपका नॉर्मलाइज्ड ही है। तो आपने क्या किया, आप कैसे निकालोगे इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए कैप इनटू में साई डी टाउ। साई आपका क्या है, साई एन, यानी कि साई जो है आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। यहाँ पर तो मैंने डिवाइड बाई टर्म को नहीं लिखा, लिखूंगा भी तो वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो मैंने इसलिए उसको लिखा भी नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि आपका फंक्शन जो है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि आपका जो ए कैप इनटू में साई है वो क्या है, छोटा ए इनटू में साई है। ये जो ए है मेरी क्या है, ये मेरी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल है, ये आपकी आइगन वैल्यू है, और ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी रियल वैल्यू होती है। तो आपने इसको क्या लिख दिया, ए ए कैप इनटू में साई को आपने क्या लिख दिया, आपने इसको छोटा ए इनटू में साई लिख दिया। ए आपका कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन, आप क्या कर दोगे, इसको बाहर निकाल दोगे। आपने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, साई स्टार साई, साई स्टार साई डी टाउ, साई स्टार साई डी टाउ क्या होगा, अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज हो तो वन होगा। तो आपके पास एवरेज वैल्यू क्या निकल कर आ गई, ए के बराबर निकल कर आ गई। तो आपने यहाँ से ये भी प्रूव कर दिया कि जो ऑपरेटर और फंक्शन आइगन वैल्यू मेथड को फॉलो कर सकते हैं वो आप चाहे वहाँ से वैल्यू निकाल लो, आप चाहे एक्सपेक्टेशन वैल्यू से एवरेज वैल्यू निकाल लो, बात आपके पास सेम ही है, वैल्यू आपके पास सेम ही निकल कर आएगी। लेकिन आइगन वैल्यू मेथड को आप तब लगा सकते हो जब आपका ऑपरेटर और फंक्शन मिलकर आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करें। जो आपका दूसरा मेथड एवरेज वैल्यू वो आप कभी भी लगा सकते हो, उसके अंदर आपके पास कोई भी लिमिट्स नहीं है, उसको आप किसी चीज़ के ऊपर भी लगा सकते हो। लेकिन हाँ, एवरेज वैल्यू मेथड के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। जैसे पार्ट के एंड अबाउ जीरो से एल होता है, तो आपको लिमिट्स का पता होना चाहिए। थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, आप इसका जो डर है आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर तीन क्वेश्चन लिखे हुए, हम ये तीनों क्वेश्चन करते हैं। कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालने के, आपसे यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ए फंक्शन साई एक्स इंटू में रूट थ्री एक्स बिटवीन जीरो से एल, बिटवीन जीरो से वन। यानी आपको यहाँ पर क्या है, आप देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास रूट का थ्री एक्स है, वेरिएबल पार्ट के साथ आपके पास कुछ कॉन्स्टेंट है, यानी कि आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, आपको नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो आपका साई स्टार इंटू में साई डीटा क्या है, पहले से ही वन है, इसकी भी कोई टेंशन है नहीं। यानी कि अगर आप एवरेज वैल्यू को निकालोगे ऐसे, तो आप कैसे निकालोगे उसको, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा साई स्टार, बीच में आप एक्स के ऑपरेटर को रखो, इंटू में साई इंटू में
डी एक्स, आपको सिर्फ ये लिखना है डिवाइड बाई टर्म क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वन हो गई है। तो साई स्टार आपके फंक्शन के अंदर कहीं भी कॉन्जुगेट पार्ट नहीं है, तो साई स्टार और साई भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो साई स्टार क्या हो गया आपके पास, साई स्टार भी आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट थ्री एक्स हो गया इंटू में एक्स है। साई स्टार क्या, साई क्या हो जाएगा, अंडर का रूट थ्री एक्स हो जाएगा इंटू में डी एक्स हो जाएगा। लिमिट आपके पास क्या गिवन है, जीरो से वन गिवन है। तो आपको क्या निकालनी है, एवरेज रूट निकालनी है, क्या लिखोगे आप, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो गया, थ्री हो गया, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, थ्री आपने बाहर निकाल दिया, क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्यूब बच गया इंटू में डी एक्स, जीरो से वन। एक्स का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के क्यूब का होता है एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन में थ्री प्लस वन। उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद आपको लिमिट लगानी है जीरो से वन की इस केस के अंदर। तो ये तो आपका सिंपल सा हो गया, क्या हो गया, थ्री इंटू में एक्स की पावर फोर बाय फोर, लिमिट लगा दो क्या, जीरो से वन। वन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू में वन का फोर अपॉन में फोर, माइनस का क्या हो गया, जीरो लगाओगे तो जीरो हो गया, जीरो कर दो इसको। तो ये क्या आ गया आपके पास, थ्री बाय फोर आपके पास एवरेज वैल्यू निकल कर आई, किसकी, एक्स की आपके पास एवरेज वैल्यू निकल कर आ गई। तो आपको इस तरीके से सोचना है, आपको पहले क्या करना है, आप पहले फंक्शन को देखो, जैसे इस केस के अंदर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्या निकालनी है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की एवरेज वैल्यू निकालनी है। आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपके पार्टी का इन बॉक्स का नहीं है, फंक्शन आपका रिजिड ऑर्डर का नहीं है, फंक्शन आपके पास कोई और ही है। अगर आपके पास फंक्शन कोई और भी होता है, अगर आपके पास वो फंक्शन कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होगा। अगर आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा, चलो मैं आपको एक्सपोनेंशियल बनाऊँ तो आपको समझाता हूँ चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको कैसे करना है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स निकालनी है। आपको फंक्शन गिवन है और लिमिट्स भी गिवन है, यानी कि आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाले मेथड को ईजिली अप्लाई कर सकते हो। फंक्शन के अंदर आपके पास वेरिएबल वाला पार्ट भी है और उस पार्ट के साथ आपके साथ कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई के अंदर है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड भी है। अगर फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो आप एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, आपको फंक्शन के कॉन्जुगेट के और फंक्शन के बीच में ऑपरेटर को पुट करना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है और उसके बाद क्या कर देनी है, लिमिट को लगा देना है। बहुत सिंपल सा काम है, फंक्शन के अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो साई और साई स्टार भी इक्वल होंगे, आप इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, आपको निकालनी है द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए मोशन विद फंक्शन ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स। ये क्वेश्चन जो है वो गेट के अंदर भी आया हुआ है, पहले वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट के अंदर और ये वाला क्वेश्चन भी गेट के अंदर आया हुआ है। देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या क्या पता है, आपको पता है कि आपको दो मेथड पता है वैल्यू निकालने के, एक तो आइगन वैल्यू मेथड पता है और आपको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड आप कहीं भी लगा सकते हो लेकिन आपको वहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको वहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो आपको लिमिट्स की जरूरत पड़ने वाली है, फंक्शन किस से किस लिमिट तक डिफाइन है। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको लिमिट्स नहीं दी गई है। अगर आपको लिमिट्स नहीं दी गई है तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला मेथड आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया आइगन वैल्यू मेथड। चलिए देखते हैं क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। एक्सपोनेंशियल वाले केस के अंदर करने का थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तब भी आपके पास ई रेज टू द पावर एक्स आता है, डबल डिफरेंशिएट करोगे तब भी आपके पास ई रेज टू द पावर एक्स आता है। ये मैं आपको पहले वाले जो मैं क्वेश्चन कर रहा था उस टाइम आपको यही बोल रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आइगन वैल्यू मेथड को लगाना थोड़ा इजी रहता है क्योंकि वो जनरली आपके पास कैसे होते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन ही आपको देने वाले होते हैं। कि देखते हैं कैसे देते हैं। आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास है ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, मोमेंटम निकालनी है, मोमेंटम निकालना है आपको। मोमेंटम का क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, माइनस का आयोटा एच कट इनटू में डेल बाय डेल एक्स, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास का फॉर्मूला होता है। आपको ऑपरेटर को अप्लाई करना है, मोमेंटम के ऑपरेटर को अप्लाई करना है किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है। यानी कि आपको माइनस आयोटा एच कट को डेल बाई डेल एक्स को आपको अप्लाई करना है किसके ऊपर, ई रेज टू द पावर आयोटा एस कट के ऊपर अप्लाई करना है। मैंने क्या किया, मैंने मोमेंटम के ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया है, बस मैंने मोमेंटम का ऑपरेटर लिखा और मैंने यहाँ पर फंक्शन को लिख दिया। अब आपको पता है कि जो आपका डिफरेंशिएशन होता है ई रेज टू द पावर ए एक्स का वो क्या होता है, ए इंटू में ई रेज टू द पावर ए एक्स होता है। जो कॉन्स्टेंट होता है इसका वो आप बाहर निकाल दो और इंटू में उसको ऐसे कैसे वापस लिख दो। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है, आयोटा है और के है, दोनों क्या है आपके पास कांस्टेंट होते हैं। तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा माइनस का आयोटा एच कट, क्या हो गया आपने आयोटा को बाहर निकाल दिया और के को बाहर निकाल दिया, क्या बच गया अंदर आपके पास, बच गया आयो ई की पावर आयोटा के एक्स। आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का आयोटा का स्क्वेयर एच कट इंटू में के इंटू में, ये क्या आपके पास, ये तो आपको फंक्शन गिवन था, ये तो आपको फंक्शन ही गिवन था। आपने फंक्शन से स्टार्ट किया, वापस से आपको फंक्शन मिल गया, इसका मतलब ये फंक्शन और ऑपरेटर मिलके, ये फंक्शन जो आपको गिवन था और ऑपरेटर मोमेंटम का मिलकर आइगन वैल्यू मेथड को, आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जो आपके पास कॉन्स्टेंट होता है, जो आपके पास इसके आगे कॉन्स्टेंट होगा, ये आपका क्या होगा, ये तो आपका वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल होगी, यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास किसकी है, मोमेंटम की वैल्यू है। तो क्या बच गई आपके पास,
माइनस का आयोटा स्क्वायर एच कट के, आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका माइनस का वन होता है, माइनस इंटू माइनस का वन एच कट के, तो आपके पास आंसर आ गया क्या एच कट के, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, ये मोमेंटम की एवरेज वैल्यू आ गई। ये वाला केस आपने किससे किया, आइगन वैल्यू इक्वेशन से किया। क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पर लिमिट्स नहीं दे रखी थी कि फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है। अगर आपके पास लिमिट्स नहीं है तो आप इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू को भूल जाओ। आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू को भूल गए तो आपके पास क्या बच गया ऑप्शन, आपके पास बच गया जो आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो वाला मेथड आपके पास बच गया। आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल केस के अंदर आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करना थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी वही देता है और इंटीग्रेशन भी आपको वापस से वही देगा। तो एक्सपोनेंशियल वाले केस के अंदर आप ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करना, कौन से को, आइगन वैल्यू मेथड को आप अप्लाई करने की कोशिश करना। अगले आपको क्या निकालना है, अगला आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ए फंक्शन साई एक्स इजकल टू एक्स स्क्वेयर। आपको दिया गया है फंक्शन, अब आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिमिट भी दी गई है। अगर आपको लिमिट दी गई है यानी कि आप यूज़ कर सकते हो किसको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग यहाँ पर देखने वाली ये है कि वेरिएबल के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो आपको कौन सा वैल्यू पुट करनी है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है साई स्टार इंटू में ऑपरेटर। ऑपरेटर किसका आप करोगे, एक्स का ऑपरेटर करोगे, इंटू में साई इंटू में डी एक्स अपोन में क्या, अपोन में साई स्टार इंटू में साई डी एक्स। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इस वाले केस के अंदर। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है। फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है, फंक्शन के अंदर कहीं भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब साई स्टार और साई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो साई स्टार आप क्या रख सकते हो, एक्स स्क्वायर रख सकते हो। एक्स का ऑपरेटर क्या होता है, एक्स ही होता है। ये आपके पास साई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू में क्या हो गया, डी एक्स हो गया। नीचे आप क्या करोगे, इसकी लिमिट्स क्या है, मेरे पास लिमिट्स है 0 से 1। नीचे आपके पास क्या है, साई इंटू में साई स्टार यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर है इंटू में डी एक्स। लिमिट क्या है, 0 से 1। ऊपर आपके पास क्या बच गया, ऊपर आपके पास बच गया x की पावर 5 इंटू में डी एक्स। नीचे आपके पास क्या बच गया, x की पावर 4 इंटू में डी एक्स। अब यहां पर x की पावर 4 को x की पावर 5 से काट मत देना, कहीं आप बोलो कि यार ऊपर x की पावर 5 है, नीचे x की पावर 4 है, काट गया क्या बच गया, x बच गया। ये इंटीग्रेशन के अंदर आप इसको डायरेक्टली काट नहीं सकते हो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 5 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या, एक्स की पावर 5+1 अपॉन में 5+1। उसके ऊपर लिमिट लगा दो क्या, 0 से 1। इसके ऊपर क्या लिमिट लगाओगे, एक्स की पावर 4+1 अपॉन में क्या, 4+1। इसके ऊपर भी लिमिट लगा दो क्या, 0 से 1। ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास निकल कर आ गया एक्स की पावर 6/6 के ऊपर लिमिट क्या, 0 से 1। इसके ऊपर क्या लगाओगे, एक्स की पावर 5 अपॉन में 5। इसके ऊपर क्या लगाओगे, 0 से 1। क्या निकल कर आ गया, ऊपर वाला जब 1 लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/6। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1/5। 0 के केस में तो 0 ही हो गया, तो यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो 1/6 इंटू में 0 लिख देता हूँ बस। तो ये हो गया 1/6 डिवाइडेड बाय 1/5, आपका आंसर हो गया क्या, 5/6 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हो। आपके पास दो मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं आपके पास, दोनों मेथड की बात मैंने जो है आगे वाले पेजों के अंदर जो आप नीचे से नोट्स लोगे उसके अंदर मैंने इनके सॉल्यूशन भी किए हुए हैं, किस तरीके से आप इनके सॉल्यूशन को कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के अंदर मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको वो सारे मिल जाएंगे, आप देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो। बाकी मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट आएगा। आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के, एवरेज वैल्यू को निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन तरीका है। अगर आपका ऑपरेटर और फंक्शन मिलकर आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप वहां पर आइगन वैल्यू मेथड को लगाओ और उस केस के अंदर जो आपके पास आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल होती है। अगर आपका ऑपरेटर और फंक्शन आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको लगाना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार बीच में ऑपरेटर इंटू में साई इंटू में डी एक्स अपॉन में क्या, साई स्टार साई डी टाउ। डी ऊपर भी डी टाउ आएगा, डी एक्स नहीं आएगा। अगर आपके पास एक्स में वेरिएबल तो डी एक्स लगा लेना, आप अपने डी टाउ को तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो दो मेथड हैं, दोनों में से कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को वो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स नहीं दे रखी फंक्शन की तो आप वहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल के अंदर गिवन होगा तो आपके पास वहाँ पर थोड़े चांसेस बनते हैं कि आप वहाँ पर आइगन वैल्यू इक्वेशन को यूज़ कर देख सको, क्योंकि वहाँ से आपकी वैल्यू थोड़ी जल्दी निकल कर आ जाएगी। अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और उसके वेरिएबल पार्ट के साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, तो आपको उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा या फिर आप पूरे फॉर्मूले को यूज़ करो जहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर के अंदर साई स्टार साई डी टाउ को लिखा हुआ था। या तो आप पूरे को यूज़ कर लो, अगर नॉर्मलाइज है तो पहले से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको 3-4 चीज़ें देखनी है।
पहली चीज़ क्या देखनी है आपको कि आपका जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। कैसे देखोगे, क्या फंक्शन के साथ, क्या फंक्शन के वेरिएबल पार्ट के साथ कोई कॉन्स्टेंट है या नहीं। कॉन्स्टेंट है तो नॉर्मलाइज्ड है, कॉन्स्टेंट नहीं है तो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। दूसरी चीज़ क्या देखोगे, क्या आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया और आपके पास लिमिट्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फंक्शन आपके आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो आप वहाँ से आइगन वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आपके पास वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल होगी। तीसरी मैंने आपको क्या बताई, अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज आपको गिवन है और आपको लिमिट्स भी गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मा लगाओ एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, साई स्टार बीच में ऑपरेटर साई डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट्स को लगा दो, क्योंकि नॉर्मलाइज है तो डिनोमेटर वाले टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका वैसे भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी को पढ़ चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन को पढ़ चुके हैं, एवरेज वैल्यू को पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को पढ़ चुके हैं, और अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीधा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 6 पोस्टुलेट हैं, 6 की 6 पोस्टुलेट अब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे अगर आपको अभी तक की क्लासेस समझ में आ गई है तो। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो लेक्चर को यहाँ पर लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कमेंट्स के अंदर मुझे वापसी बोल सकते हो कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। अगर आपको अच्छा लगा तब भी कमेंट्स के थ्रू मुझे बताओ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।